हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आप सबके लिए एजुकेशनल वेबसाइट्स लेके आया हूँ जो आपको हेल्प करेगी ऑनलाइन लर्निंग करने के लिए। तो फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना फेवरेट ब्राउज़र ओपन कर लें। सो आ चुके हैं हम अभी फेवरेट ब्राउज़र पे, जो कि मेरा है फायरफॉक्स। तो आज हम जानेंगे 5 वेबसाइट्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले वेबसाइट्स का, जो कि मेरा फेवरेट है और मैं उसमें से बहुत सारे कोर्स जो है एनरोल कर चुका हूँ। तो आपको सिंपली सर्च करना है udemy.com। तो व्यूवर्स, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा आ रहा है वेलकम बैक संजू। तो मैंने इसमें साइन इन कर चुका हूँ। आप लोग को यहाँ पे पहली बार आओगे तो ये नहीं दिखाएगा, आपको साइन इन करना पड़ेगा। ये वेबसाइट पे आपको साइन इन करने के लिए सिंपली यहाँ पे जाना है। यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन आएगा, साइन अप और ऑप्शन आएगा। अगर आपका अकाउंट है ऑलरेडी तो साइन इन कर सकते हो, अगर नहीं है तो अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। और ये वेबसाइट की खासियत ये है कि ये हर एक कोर्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि आर्ट्स हो गया, फिर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, डेटा साइंस से रिलेटेड, या आपको जीट और नेट के क्वेश्चन पेपर्स भी प्रोवाइड करते हैं। आपको सिंपली इसमें से आपको जो भी कोर्स पसंद हो वो आप बाय कर सकते हैं इसमें से। जैसे कि ये पाइथन वाला, पाइथन बूट कैंप वाला कोर्स, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे लिखा है, इसमें 186 लेक्चर्स हैं। जो आप एनरोल करते हो तो जो घंटे आपके पास ही रहेंगे ये अकाउंट में, आप जब चाहे तब देख सकते हैं ये वेबसाइट में। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबको अपना कोर्स जो है मैं दिखा देता हूँ जो मैंने एनरोल किया हुआ है। तो माय कोर्स पे जाते हैं, मैं आप सबको दिखाता हूँ मेरे जो कोर्स है जो परचेस किए हुए हैं। मेरे टोटल 64 कोर्स जो है अपने लिए लिया है, इसमें से थोड़े परचेस किए हैं और थोड़े जो है फ्री हैं। आपको फ्री कोर्सेज चाहिए तो सिंपली यहाँ पे सर्च फॉर एनीथिंग में जाना है, यहाँ पे लिखना है फ्री कोर्स, एंटर कर देना है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो फ्री कोर्सेज का पेज है वो लोड हो चुका है। टोटल 5312 फ्री कोर्सेज अवेलेबल है इस वेबसाइट में, जैसे कि देख सकते हैं। इसमें लिखा है हाउ टू स्टार्ट ए वेबसाइट फॉर राइटर्स, आर्टिस्ट एंड क्रिएटिव टाइप्स, और भी है बहुत सारे हैं। आपको अगर गिटार म्यूजिक पसंद है तो गिटार सीख सकते हैं यहाँ पे फ्री में। HTML सीखना है तो आपको HTML सीख सकते हैं यहाँ पे। आपको म्यूज़िक पसंद है, गाना बनाना पसंद है तो आप ये वाला कोर्स जो है ले सकते हैं। इसमें आपको बताया जाएगा कि गाना प्रोसेसिंग कैसे करते हैं। तो ये है सारे फ्री कोर्सेस। और अगर आप में से कोई टीचर है या सिखाना पसंद करते हो कुछ भी, तो आप यहाँ पे सिखा भी सकते हो। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है टीच ऑन यूडेमी पे। आपको अगर कुछ सिखाना है तो आप इस वेबसाइट में खाली सीख ही नहीं सकते, सिखा भी सकते हो। ये वेबसाइट की बहुत खास बात है इसमें। तो इसमें भी आपको एनरोल ही करना पड़ेगा। और आप अगर आप सिखा सकते हो, अच्छा सिखा सकते हो किसी को, तो आप इसमें वीडियोस डालें
और आपको उसकी अर्निंग्स भी मिलेगी, तो आप अपने हिसाब से देख ले। तो बढ़ते हैं दूसरे वेबसाइट की तरफ। हमारा जो दूसरा वेबसाइट है उसका नाम है कॉर्सेरा। कॉर्सेरा तो फ्रेंड्स पेज लोड हो चुका है, और इस वेबसाइट में टॉप यूनिवर्सिटी के जो भी क्वेश्चन पेपर्स या लेक्चर्स होते हैं वो सब में प्रोवाइड किए जाते हैं। और इसमें यूनिक फीचर्स हैं कि इसमें इस वेबसाइट के थ्रू डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग जो है वो सिखाया जाता है, और सेल्फ ड्राइविंग कार वाले जो अभी प्रोग्राम चल रहे हैं, मतलब उस पे काम चालू है, उसके बारे में भी बताया जाता है। और डेटा साइंस जो भी है, आपको जो फील्ड में इंटरेस्ट है वो फील्ड का यहाँ पे ले सकते हो कोर्सेस। जैसे कि यहाँ पे मैं इस कोर्स पे क्लिक करता हूँ, अप्लाइड डेटा साइंस विद पाइथन। तो फ्रेंड्स ये वाला खुल चुका है। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, देर आर 5 कोर्स इन दिस स्पेशलाइजेशन। इस पाइथन के डेटा साइंस 5 कोर्सेस हैं जो यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, जो यहाँ पे वन बाय वन है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो भी कोर्स पसंद है वो एनरोल कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखा है एनरोल फॉर फ्री स्टार्ट्स विथ May 13। अभी जो है ये फ्री है एनरोल के कोर्सेस। तो फ्रेंड्स फटाफट जाओ और coursera.org में साइन इन कर लो और कुछ एक्साइटिंग और नया सीखो, क्योंकि सीखना बहुत ज़रूरी होता है। तो बढ़ते हैं सेकेंड वेबसाइट, थर्ड वेबसाइट की तरफ। हमारा जो थर्ड वेबसाइट है w3schools.com। सो फ्रेंड्स ये रहा हमारा तीसरा वेबसाइट। इस वेबसाइट की खासियत ये है कि ये सिर्फ प्रोग्रामिंग में है, मतलब अगर आप प्रोग्रामिंग या IT स्टूडेंट हो तो ये वेबसाइट आपके लिए है। यहाँ पे HTML से लेके, जावा स्क्रिप्ट से लेके, सर्वर साइड SQL से लेके, वेब बिल्डिंग, सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। अगर आप IT स्टूडेंट हो मेरी तरह तो आपको ये वेबसाइट बहुत ही काम की होने वाली है। जैसे कि यहाँ पे प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, IT सेक्टर से रिलेटेड सब कुछ है यहाँ पे। यहाँ पे आपको जो भी कोर्सेज चाहिए वो यहाँ पे अवेलेबल है। आपको जो भी पढ़ना है वो या जो भी सीखना है यहाँ पे, बस आपको देखना है कि मतलब आपको क्या सीखना है। तो मैं लर्न जावा पे करता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है जावा ट्यूटोरियल। और एक बात, इस वेबसाइट में ये है कि ये सेल्फ लर्निंग है, मतलब कि आपको देख के समझ के खुद ही सीखना है। तो ये वेबसाइट में ये है एक डिसएडवांटेज। इसमें लिखा जावा इसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो बेसिक थियरी है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, और एग्जाम्पल दिए हैं इस चैप्टर, एक एक चैप्टर के एग्जाम्पल दिए हैं। स्टार्टिंग है क्लास जो हेलो वर्ल्ड का है। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा तीसरा वेबसाइट जो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। अगर आप प्रोग्रामिंग स्टूडेंट हो या IT सेक्टर में हो तो आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो बढ़ते हैं हमारे चौथे वेबसाइट की तरफ। चौथा वेबसाइट का नाम है edx.org। तो फ्रेंड्स ये वेबसाइट भी आपको ऑनलाइन ऑनलाइन कोर्सेज जो है प्रोवाइड करती है, हर एक बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज से। जैसे कि यहाँ पे लिखा है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी,
एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पे भी आपको जो भी पसंद है, आपको जो फील्ड में इंटरेस्ट है या आप जो फील्ड में पढ़ाई कर रहे हैं उस फील्ड के यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। मैं सिलेक्ट करता हूँ ये साइंस। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने कंप्यूटर साइंस पे क्लिक किया, यहाँ पे देखो रिलेटेड टॉपिक्स में क्या क्या आया, प्रोग्रामिंग, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, अपाचे स्पार्क, ये सब प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। और ये जो देख रहे हैं आप सब, ये सब जो है आपके कोर्सेस हैं जो ऑनलाइन प्रोवाइड किए गए हैं फ्री में। तो यहाँ पे टन्स ऑफ कोर्सेस है जो आपको सीखना है वो सीख सकते हैं यहाँ पे। अगर आप ये बेसिकली क्लाउड है, अगर आप आईटी सेक्टर में है तो आपको पता होगा क्लाउड क्या होता है। तो यहाँ पे सब कुछ सिखाया जाता है, जावास्क्रिप्ट से लेके प्रोग्रामिंग से रिलेटेड क्लाउड सब कुछ सिखाया जाता है। और अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट तो आपके लिए भी यहाँ पे बहुत कुछ है। जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं अकाउंटेंसी, सो फ्रेंड्स ये अकाउंटिंग का है जो यहाँ पे आप चाहे तो एनरोल नाउ पे क्लिक कर सकते हैं ये ग्रीन बटन पे। और ये जो सिलेबस है इन्होंने दिया है पद्मिनी श्रीवासनम जो आईआईएम बेंगलोर से है, जो बेंगलोर से है आईआईएम यूनिवर्सिटी है। तो फ्रेंड्स ये वेबसाइट भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आपको जो भी कोर्सेज चाहिए यहाँ पे बस कोर्सेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको चूज़ करना है कि आप कौन से फील्ड से बिलोंग करते हो। तो जैसे कि आप कोई भी फील्ड से बिलोंग करते हो आपके लिए यहाँ पे बहुत कुछ है। तो हमारा लास्ट वेबसाइट है उसका नाम है ब्राइट स्टॉर्म। सिंपली यहाँ पे दिख रहा होगा लिखा है नीचे www.brightstorm.com, इस पर सिंपली क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स हमारा पेज जो है लोड हो चुका है ब्राइटस्टॉर्म का। ये भी आपको ऑनलाइन कोर्सेज फ्री में आप प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे लिखा है जैसे कि राइट हैंड रूल फिजिक्स का ही है, अगर आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो फिजिक्स यहाँ से पढ़ सकते हैं और केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग का ये पेज खुल चुका है। यहाँ पे लिखा रहा है मैथ्स, मैथ्स से रिलेटेड इतने सारे वीडियोस हैं, एलजेब्रा के 114 वीडियोस हैं, एलजेब्रा 2 के 127 वीडियोस है, प्री एलजेब्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर साइंस से रिलेटेड है, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री। फिर इंग्लिश है, इंग्लिश में ग्रामर सीखना है तो आप यहाँ से ग्रामर सीख सकते हैं, राइटिंग सीख सकते हैं, लिटरेचर सीख सकते हैं इंग्लिश का। बहुत बेसिकली क्या होता है ना, हमारा जो बेसिक है इंग्लिश का, हमारा जो बेसिक रहता है, बेस रहता है वो क्लियर नहीं होता तो हम लोग इंग्लिश जो है बहुत कम बोल पाते हैं या समझ नहीं पाते। तो ये उनके लिए अच्छा है जो अभी भी अंडर ग्रेजुएशन में नहीं आए हैं, मतलब कि अभी भी वो लोग स्कूल में हैं और जो स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके लिए ये वेबसाइट है बहुत बेस्ट है। यहाँ पे बेसिकली सब कुछ बेस जो है अपना क्लियर हो सकता है यहाँ पे, तो आगे जाके हम लोग को प्रॉब्लम ना हो इसलिए। तो अगर आपको ग्रामर में प्रॉब्लम है, आपको इंग्लिश अच्छे से लिखना नहीं आता या सेंटेंस वर्ड बनाना नहीं आता है तो ये वेबसाइट में आप एनरोल कर सकते हो। और इसमें आपको इंग्लिश कैटेगरी पे जाना है और ग्रामर सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको पूरा बेस जो है क्लियर हो जाएगा। और ये जो है टेस्ट प्रिपरेशन है,
आपको अगर इसमें से कोई भी टेस्ट देना है तो आप इसमें से प्रिपेयर कर सकते हो। इसमें बहुत सारे वीडियोस इंक्लूड हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है बस इतना ही है। और आज का वीडियो बनाने का मेरा मोटिव ये है कि अगर आपका कोई लेक्चर मिस हो जाता है या आप किसी वजह से स्कूल नहीं जा पाते, अटेंड नहीं कर पाते लेक्चर्स, तो आपके लिए ये जो वेबसाइट्स जो मैंने बताए हैं बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और ये सारे के सारे वेबसाइट जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से सिंपली क्लिक करना है और वेबसाइट पे चले जाना है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और मैं तो इंटरनेट पे घूमता रहता हूँ, मेरे को बहुत सारी चीज़ें ढूंढने में बहुत इंटरेस्ट आता है। तो अगली बार आपके लिए कुछ और नया लेके आऊँगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और उनके साथ भी जो पढ़ते हैं और उनके साथ भी जो नहीं पढ़ते हैं। तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।